So hey guys, welcome back to my channel. This is Bhumika, and you're watching Learn French with Bhumika. So today we are gonna learn Class Sixth Chapter Number Eight. Chapter's name is La Famille the Manual. Er verbs. Fine. La Famille the Manual. We have studied the chapter. Now we'll see the grammar topic, which is er verbs. So let's begin. So la verb er e that means er ending verbs. सो ऑल वर्ब्स एंडिंग इन ई आर एक्सेप्ट आलेर ठीक है आलेर का मतलब होता है वॉट डज आलेर मीन्स इट मीन्स टू गो ठीक है आलेर का मतलब क्या होता है टू गो ऑल द रेगुलर एंड दिस इज वॉट दिस इज एन इरेग्युलर वर्ब फाइन न ऑल द रेगुलर वर्ब एंडिंग इन ई आर आर कॉन्जुगेटेड इन द सेम मैनर ठीक है सिर्फ आलेर को छोड़ के ओके okay, सारे जो ई आर वर्ब्स हैं उनको हम सेम वे में ही कॉन्जुगेट करते हैं द टेंस ऑफ ऑल रेगुलर ई आर वर्ब इज कॉन्जुगेटेड बाय रिमूविंग द ई आर ठीक है क्या करना है आपको जैसे यू आर गिवन विद एनी वर्ब ठीक है जैसे आपको एक वर्ब दे दिया है दैट इज पार्ल ओके सो दिस इज़ योर वर्ब गिवन टू यू सो वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू रिमूव द ई आर आपको ये ई e आर को रिमूव कर देना है इसको आपको निकाल देना है एंड देन वॉट यू हैव टू एड इज ई एस ई ओ एन एस ई जेड ई एन टी ओके एंड द वर्ड विच कम्स आफ्टर रिमूविंग दर इज सेट टू बी एज रेडिकल वॉट इट इज सेट रेडिकल रेडिकल का मतलब क्या होता है रूट फॉर्म रूट फार्म मतलब उस वर्ड का ओरिजिनल फॉर्म फाइन नाउ विल सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट सो यर द फर्स्ट एग्जाम्पल इज एम एम ए सो दट डज इट मीन्स टू लाइक और टू लव ठीक है तो दिस इज अ सिंगुलर साइड एंड अ प्लोरल साइड You all know the subject pronouns, right? That is u l l nu l. Right? So apko kya karna hai? Now here is a verb given to you is a So what you have to do? Just remove the ER and what you have to add is E, E, S, E, O N S, E Z, and E N T. Okay. So just see here what they have done. जेम सो so यहाँ पर आप सोच रहे हो कि जे ई -E क्यों नहीं है वाई इज इट जे अपोस्त्र देर इज अ रीजन बिकॉज इफ़ यू सी सो जे ई दिस विल भी लाइक दिस जे ई एंड देन ए आई एम ई सो देर आर टू वॉवल्स दो वॉवल्स साथ में आ रहे हैं राइट सो वी कैन नॉट राई ट्स टूगैदर सो दिस वॉवल्स दिस वॉव गेट्स कैंसल्ड एंड दिस कम्स इन अ फॉर्म ऑफ अ पस््रॉफ सो इट बिकम्स जेम फाइन दैट मीन्स आई लाइक ठीक है नेक्स्ट है ट्यू एम सो so ट्यू के साथ क्या लगेगा ई एस लगेगा ठीक है ए आई एम आपको सेम रखना है द रेडिकल विल रिमेन सेम फॉर ऑल ऑफ दैम जस्ट यू हैव टू एड ई ई एस ई ओ एन एस ई जेड एंड ई एन टी ठीक है तो एल के साथ ए आई एम ई दैट मीन्स एल एम नेक्स्ट है एल एम सो ई ही लगेगा उसके साथ ठीक है नेक्स्ट है नू एम ओ सो ओ एन एस नू के साथ ओ एन एस लगेगा वू एम ए सो वू के साथ ई e जेड लगेगा ओके नेक्स्ट इज एल एम ओ सो ई एन टी एंड एल एम ओ फाइन सो आई होप यू गॉट दिस नो विल सी द सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज़ पाल सो वी डिस्कस्ट इट दैट मीन्स वॉट टू स्पीक Okay, so when you speak something, we say "pal." So I speak, that means pal." So similarly, Yahan par aapka word kya given aapko? The word is given to you as parle. Parle. So what you will do, you will just remove the E R. And what you have to add is E E S E O N S E Z and E N. -E. ठीक है ये सेम आपको ऐड करना है सो यू कैन सी य के साथ ई ऐड होगा जस्ट रिमेंबर दैट आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है ये सिर्फ ये वर्ड्स जस्ट रिमेंबर दिस सेवन वर्ड्स ओके इफ यू रिमेंबर दिस सेवन वर्ड्स यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी ई आर वर्ब एक्सेप्ट आलर ठीक है सो

दीज आर सम वर्ड्स तो यश uh, जैसे दस्ते हो गया तो यस्ते एंड सो ऑन इट गोज जस्ट यू हैव टू रिमूव ई आर ओके ई आर सबका रिमूव करके एंड यू हैव टू एड ई ई एस ई एन एस जस्ट रिमेंबर दिज सेवन वर्ड्स एंड देन यू आर एबल टू डू इट फाइन सो नाउ विल गो टू द एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस टॉपिक सो विल सी दिस

ओ एन एस ई सेड एंड ई एन टी ठीक है यही वर्ड्स आएंगे तो यू हैव टू रिमेम्बर ये जे के साथ लगेगा ये ट्यू के साथ लगेगा ये एल के साथ एल के साथ एंड सो ऑन तो एल के साथ वॉट वी हैव टू एड पार्ल सो पी ए आर इसका रूट uh, फॉर्म हो जाएगा रेडिकल हो जाएगा पी ए आर एल और उसके साथ आपको क्या लगा देना है ई e लगा देना है तो शब पार्ल फ्रोसे स ही स्पीक्स फ्रेंच ठीक है नेक्स्ट है नू डैश आ डेली सो so, नू नू इज वॉट नू का मतलब क्या होता है वी सो so, वी डैश आ दिल्ली सो so, वी हाबिते आपको क्या क्या बने हाबिते सो so, हाबिते का मतलब क्या होता है टू लीव सो so, वी लीव इन दैली सो आई टोल्ड यू नू के साथ क्या लगता है ऑलवेज ओ एन एस ठीक है फॉर ई आर वर्ब्स तो आपको इसका रूट फॉर्म बनाना है एंड यू हैव टू एड इट सो इट विल बी एच आई बी आई टी ओ एन एस हाबितों ठीक है नेक्स्ट है मैन्यूअल डैश ला ग्लास सो एम ए सो मैन्यूल एम ला ग्लास सो मैन्यूल लाइक्स द आइसक्रीम ठीक है वो हाबित ए आर दोहा सो इट्स अ क्वेश्चन सो यू डू यू लीव इन दोहा ओके okay. नेक्स्ट है एम ला टेलीविजो दैट मीन्स आई लाइक द टेलीविजन एल एम ला म्यूज़िक क्लासिक दैट मीन्स आई लव क्लासिकल म्यूज़िक ठीक है सेवेंथ है ट्यू पार्ल एस सो अब इधर ट्यू था सो so, ट्यू के साथ क्या लगता है ई e एस ठीक है तो आपने वही ई e एस लगा दिया फाइन सो यू पुट दैट ई एस एंड उसके साथ आपको बस वो ई एस लगा के यू टू सॉल्व इट

पल सो so, क्या हो जाएगा ई आर रिमूव कर दिया सो वॉट इज रिमेनिंग मो पैर सो मो पैर इज वॉट एल से राइट सो मो पैर क्या होता है मैस्कुलाइन है राइट वॉट इज मो पैर इट्स मैस्कुलाइन और सिंगुलर है राइट तो मो पैर के साथ क्या लग जाएगा एल लग जाएगा तो मो पैर और यू कैन से इल, तो ई इल के साथ क्या लगता है ई e लगता है सो दैट्स वाई वी पुट ई ठीक है और Next has your habit so that I live in my house and uh, El Parlo Italian. That means they speak Italian. Okay? So I hope the topic ER was clear to you and you have any doubt, you can ask me in the comment section. Till then, bye bye and thanks for watching.